नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे भारत मित्र लाइव। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 12 घंटे बाद भी बुझ नहीं पाई कोलकाता के गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मी कर रहे हैं मशक्कत। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार होंगे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बाबुल सुप्रियो। कोलकाता के चमड़े कारखाने में 15 घंटे से जल रही भयावह आग, दो दमकल कर्मी घायल। ममता बनर्जी ने दमकल मंत्री से की बात। राज्य में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए। फिल्म स्टार सत्यजीत रे के लोकप्रिय जासूसी किरदार फेलुदा की थीम पर कोलकाता में खुलेगा पहला कैफे। कोलकाता में पॉकेटमारी के आरोप में गिरफ्तार हुई बंगाली फिल्म की अभिनेता रूपा दत्ता। बांग्लादेश से युवतियों को बंगाल लाकर कराते थे देह व्यापार, तस्कर गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। पुलिस ने युवती को प्रताड़ित करने के आरोप में अमित देवनाथ नाम के युवक को बहला से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी को मार गिराया, वॉर जैसे सामान हुए बरामद। जम्मू कश्मीर में शोपिया के गांव में छुट्टी मनाने आए सीआरपीएफ जवान की आतंकियों ने की हत्या। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन शुरू, खड़के समेत कई बड़े नेता 10 जनपद पहुंचे। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा की गाड़ी से हादसा, गिरफ्तारी के बाद मिला जमानत। मुंबई में भाजपा विधायक नितेश राणा के खिलाफ FIR दर्ज। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंची रूसी सेना लगातार बरसा रही है बम। मुख्तार अंसारी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दर्ज हुए केस की शुरू हुई विवेचना। पंजाब में जीत के बाद जोश में आप, अमृतसर में विजय जुलूस निकालेगी। यूक्रेन को हथियारों के लिए $200 मिलियन की मदद करेगा अमेरिका। इराक में अमेरिकी दूतावास कैंपस की ओर दागे गए कई रॉकेट, परिसर में लगी आग। यूक्रेन का बयान, अगर रूस युद्ध जीतता है तो लिथुआनिया पुतिन का अगला लक्ष्य होगा। पेपाल 18 मार्च से रूसियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को ब्लॉक कर देगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।